मैं अभी अभी मार्वल की न्यू मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देखकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको उसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सके कि ये मूवी पर आपको अपना टाइम पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। ये मूवी मार्वल स्टूडियोज और उनके फैंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि ये मार्वल के फेज 5 की पहली मूवी है और यही इस फेज के मेन विलन कैंग की फाउंडेशन बिल्ड करेगी और मार्वल का पिछला फेज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया था। उसके भी कुछ रीजंस है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने ऑडियंस का बेंचमार्क कुछ ज्यादा ही हाई सेट कर दिया था और उसके बाद ऑडियंस हर मूवी से एंड गेम जैसी एक्सपेक्टेशन लगा रही थी। इसमें ऑडियंस की भी गलती नहीं है, बाहर का पनीर खाने के बाद घर की दाल किसको ही पसंद आती है। खैर, अब अगर हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया की बात करें तो अर्ली क्रिटिक्स ने इसको बहुत ही बेकार रेटिंग दी थी, जिसको देखने के बाद मेरे मन में भी इस मूवी के लिए कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे। एंड थैंक गॉड कि मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था, क्योंकि ये मूवी क्रिटिक्स की रेटिंग और मेरी एक्सपेक्टेशन दोनों से ही ज्यादा बढ़िया निकली और मेरे हिसाब से ये एंटमैन फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक एंटमैन मूवी है और इसमें वो सब होगा जो कि आप एक एंटमैन मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टोरी की। तो जैसा कि हमने ट्रेलर देख के एक्सपेक्ट किया था, मूवी की स्टोरी भी उससे कुछ सिमिलर ही है, जहां पर हमारा एंटमैन अपनी फैमिली के साथ क्वांटम रियल्म में फंस जाता है और वहीं पर इस मूवी का मेन विलन कैंग भी होता है और उसे एंटमैन से कुछ चाहिए। अब वो क्या चीज है और क्या एंटमैन अपनी फैमिली के साथ सेफली क्वांटम रियल्म से निकल पाएगा या नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन हमारे कैंग बाइसेप जिन्हें जोनाथन मेजर्स ने प्ले किया है, उनकी बात ही अलग थी। लोकी सीजन 1 में जो हमें कैंग का वर्जन ही हो रिमेंस दिखा था, उसमें और इस कैंग की पर्सनालिटी में आपको क्लियर डिफरेंस दिखता है, जो कि मेरे हिसाब से ही बहुत ही अच्छी बात है। कैंग के साथ जो भी कैरेक्टर फ्रेम में होता है इंफीरियर फील होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये मूवी मार्वल की मल्टीवर्स साका के मेन विलन कैंग को सेटअप कर रही है। तो जिस तरह हमें थानोस का थ्रेट धीरे धीरे महसूस कराया गया था, ये मूवी भी कुछ उसी तरह चलती है। इस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा लाइट हार्टेड था, लेकिन सेकंड हाफ हमें इस मूवी के रियल स्टेक्स पता चलते हैं कि कैंग क्या कर सकता है और वो किस चीज के कैपेबल है, इसकी भी झलक हमें देखने को मिलती है, जिससे मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ। इस मूवी की सीजीआई की बात करें तो मोस्ट पार्ट के लिए वो ठीक ही था, लेकिन कुछ जगह में आपको इनकंसिस्टेंसी महसूस हो ही जाती है। अब उसका भी ये रीजन हो सकता है कि मूवी का मोस्ट पार्ट क्वांटम रियल्म दिखाता है, जो कि पूरा सीजीआई से बना है, लेकिन ये भी मार्वल को क्लियर चिट नहीं देता है सीजीआई में कंजूसी करने की। मार्वल की मूवीज पहले अपने H2H सीजीआई जैसे कि आयरन मैन सूटअप सीन्स के लिए जानी जाती थी। खैर छोड़ो, इस मूवी का सीजीआई एटलीस्ट शी हल्क से तो बेटर ही है। अब बात करते हैं इस मूवी की मेन अट्रैक्शन कैंग की, तो भाई उसका थ्रेट आपको फील हो जाता है। जिस भी सीन में वो अपीयर होता है, उसमें आपको कैंग का गॉड कॉम्प्लेक्स और रूथलेसनेस दिख जाती है। और हो भी क्यों ना, नॉर्मल लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइम, बंदे ने उसी को कॉन्कर कर रखा है। इस मूवी के अंदर दो पोस्ट क्रेडिट सीन है और वो दोनों अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना और उनके बारे में बात हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे, सो उनको ना मिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि क्या आपको अपना पैसा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करके इस मूवी को देखना चाहिए, तो इसका सीधा आंसर है हाँ, ये मूवी वर्थ इट है और जोनाथन मेजर्स की परफॉर्मेंस इसे और भी ज्यादा वर्थ इट बना देती है। बस देखते टाइम ये ध्यान रखना कि आप एक एंटमैन फ्रेंचाइजी की मूवी देख रहे हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन को भी उसी हिसाब से सेट करना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।